हाय दोस्तों, मैं रूबी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद रूबी में। तो आज मैं आप सबके साथ खट्टी मीठी चटपटी आम के लौंजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका खट्टा मीठा चटपटा स्वाद सभी को बहुत पसंद होता है और ये बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो चलिए बिना किसी देर के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आम लिया है जो वज़न में 400 ग्राम्स है। सबसे पहले हम इन आमों को छील लेंगे। ये देखिए, मैंने आमों को छील लिया है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे। आप इसे अपने मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा किसी तरह से भी काट सकती हैं। देखिए, मैंने इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने इसे वॉश कर लिया है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1.5 टीस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने इसे ज़्यादा डाला है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकर होने देंगे, उसके बाद हम इसमें आम डाल देंगे। और आम डालने के बाद इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से तेज़ फ्लेम पे चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिलाकर लिड लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, यानी जैगरी। हमने यहाँ पे 1 कप गुड़ ऐड किया है। इतने आम के लिए 1 कप गुड़ परफेक्ट होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहती हैं तो मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकती हैं। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये थोड़ा थोड़ा थिक होना भी शुरू हो गया है। और जो हमारा आम था वो भी अच्छे से गलने लगा है। तो चलिए अब हम इसे किसी प्लेट पे निकाल के देखते हैं कि ये कितने अच्छे से गला है। ये देखिए, ये आम अच्छे से गल गया है। इतना रेशेदार आम ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकती हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह खुले में ही पकने देंगे। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा हमें और इसे गाढ़ा करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं। बस इतना ही हमें इसे रखना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। बस अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा, कितना चटपटा, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक